करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल सीबीगंज, जो कि ठेर बरेली में। आज हम केमिस्ट्री कक्षा 12 यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का रिमेनिंग पोर्शन लेके आए हैं। इसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था वे इनके अल्कोहल्स और फिनॉल्स के रासायनिक गुणधर्मों में वह अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे जिसमें कार्बन और अल्कोहलिक मतलब एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध का विदलन होता है। आज भी हम इसकी वही अभिक्रियाओं के शेष कुछ जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगली अभिक्रिया है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया। ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, सबसे पहले तो यह ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है इसे जानते हैं। तो ल्यूकास रीजेंट ये सांद्र कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस यानी निर्जल जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। जब इस इसे हम ल्यूकास रीजेंट बोलते हैं। जब इस ल्यूकास रीजेंट की हम रिएक्शन अल्कोहल्स से कराते हैं तो अल्कोहल हमने यहां पर 3 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स, और इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स, नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल्स यानी तृतीयक अल्कोहल्स। तो यहां पर जो प्राथमिक अल्कोहल हैं ये ल्यूकास रीजेंट से जब रिएक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे ही क्या करते हैं? धुंधलापन शो करते हैं। मींस जैसे ही हम इसमें ल्यूकास रीजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो उस विलयन में क्या होता है, उस सॉल्यूशन में एक धुंधलापन सा क्रिएट होने लगता है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं ये धुंधलापन क्रिएट करते हैं लगभग 30 मिनट्स के बाद। ये 30 मिनट्स के बाद धुंधलापन शो करते हैं। इसी तरह से जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं ये ल्यूकास रीजेंट से रिएक्ट करके लगभग 5 मिनट्स के बाद में धुंधलापन क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से जो अल्कोहल्स हैं टर्सरी अल्कोहल ये तुरंत ही उस ल्यूकास रीजेंट से रिएक्ट करके धुंधलापन शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो टर्सरी अल्कोहल हैं ये सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं ल्यूकास रीजेंट से, उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल हैं ये रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर टर्सरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं ये सबसे देर में ल्यूकास रीजेंट से रिएक्ट करते हैं। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, साथ ही साथ इस ऑक्सीडेशन के मेथड से हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन भी करते हैं। तो यहां पर एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड भी हम यहां पर एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अल्कोहल्स हैं जब हम उनका
ऑक्सीडेशन कराते हैं, खासकर इसका सबसे पहले तो जनरल फार्मूला लिख लेते हैं RCH2OH। यहां पर ये एक मैंने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल जब हम इसका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एसिडिक नेचर का हो, मतलब अम्लीय KMnO4 हो या फिर वेसिक पोटेशियम डाइक्रोमेटो K2Cr2O7, तो या तो हम यहां पर ले सकते हैं एसिडिक KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट या फिर बेसिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से कोई सा भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही रिएजेंट क्या करते हैं, अल्कोहल्स को यहां पर एल्डिहाइड्स में चेंज कर देते हैं और हमें प्राप्त होता है RCHO यानी एल्डिहाइड। तो यहां पर जो पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये पहले एल्डिहाइड देते हैं और ये पुनः मतलब दोबारा से एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये लास्ट में बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर CH3OH ये मेथेनॉल है, इसका अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट से इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो हमको यहां पर मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, क्या मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये फिर बाद में दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड में HCOOH में जो है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से अगर इसके स्थान पर हम एथेनॉल लें CH3CH2OH, इसका अगर हम इन्हीं दोनों में से किसी कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करें तो यहां पर हमें प्राप्त होता है CH3CHO, ये एथेनॉल होता है या एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटल्डिहाइड दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है और लास्ट में हमें देता है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। अब यहां पर हमें केवल एल्डिहाइड ही फाइंड करना हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, तो उसके लिए हम यहां पर या तो क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CrO3 या फिर PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फुल फॉर्म होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है C6H5NHCl CrO3, ये प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला होता है। ये पीसीसी बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसे हम एल्डिहाइड बनाने में यूज करते हैं, तब हम यहां पर अल्कोहल RCH2OH
और यहां पर केवल पीसीसी या फिर क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं तो हमें सिर्फ यहां पर एल्डिहाइड ही फाइंड होता है। आगे दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, मींस वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते, तब हमें यहां पर एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड ही फाइंड होते हैं। ये जब हम प्राइमरी एल्कोहल को ले रहे हैं तब हमें एल्डिहाइड फाइंड हो रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमने यहां पर क्रोमिक एसिड या प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट लिया तब हमें एल्डिहाइड ही फाइंड हुआ। अब अगर हम इनके स्थान पर प्राइमरी एल्कोहल के स्थान पर सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करें, उनका ऑक्सीकरण करें, तब ऐसी कंडीशन में हमें जो द्वितीयक एल्कोहल हैं, सेकेंडरी एल्कोहल हैं, ये हमें एल्डिहाइड ना देकर के कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? कीटोन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर R और ये OH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें यहां पर RC, इसको अलग दिखाने के लिए R डैश से मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो हमें यहां पर फाइंड होता है ये कीटोन। ये हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन देते हैं। प्राइमरी एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड फाइंड होता है और जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये हमको कीटोन देते हैं। अगला है फिनॉल्स की अभिक्रियाएं। तो यहां पर फिनॉल की अभिक्रियाएं, फिनॉल की अभिक्रियाएं, अभी तक हमने यहां पर केवल एल्कोहलों की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, अब फिनॉल की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले जो फिनॉल है ये प्लस आर इफेक्ट को शो करता है, तो प्लस आर इफेक्ट के रिगार्डिंग ये क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर शो करता है, मींस इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये किस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं? तो यहां नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन रागी, मींस ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रागी होंगे, वो वहीं उस उन स्थानों पर आक्रमण करते हैं या आकर के ज्वाइंट होते हैं। किस तरह से, आइए उसे समझते हैं। तो ये जो प्लस आर इफेक्ट है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट के कारण यहां पर आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो आक्रमण करते हैं। किस तरह से, तो उसे देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूं। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल। इस फिनॉल में ये फेनिल समूह हो गया और यहां पर ये हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, मींस एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर ऑक्सीजन ने इधर इस वाले कार्बन से जो बेंजीन रिंग है उसके एक कार्बन परमाणु के साथ
साझेदारी की हुई है, मीन शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरी तरफ से इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर रखी है। तो यहां पर कुल मिलाकर के दो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर शेयरिंग हो रखी है। और अभी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लास्ट सेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स की तो साझेदारी हो गई है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो यहां पर एज अ लोन पेयर रहते हैं। तो यहां पर ये लोन पेयर के रूप में अभी है। क्या होता है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं और क्या करते हैं, यहां से मूव करते रहते हैं, इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो अगले ही पल क्या हुआ, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये टूटता है और इस वाले कार्बन एटम ने इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर गेन कर लिया। तो यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस जगह पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस प्लस चार्ज को जैसे ही इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स गया है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन गया, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास अभी यहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा, ये दाता बन जाएगा, डोनर बन जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर ये बेंजीन रिंग, ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये तो ब्रेक हो गया, टूट गया है, ये बॉन्ड बचा है और ये वाला बॉन्ड बचा है। यहां पर ये ऑक्सीजन, इसके पास अभी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, साथ ही साथ ये डोनर था तो इससे इलेक्ट्रॉन गया है, मींस इसने दिया है, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था तो यहां पर आ गया माइनस चार्ज। तो यहां जो भी बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में जहां पर भी ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन, नेवर एटम्स होते हैं, उन नेवर एटम्स को जो भी ये पोजीशन है इन पर अगर कुछ लगता है तो इन पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन एटम्स हैं, नेवर एटम्स हैं, इन पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई है, ज्यादा हो गई है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। अब क्या होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, अभी तो ये टूटा है, ये वाला भी टूटना है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन टूटा और इस वाले कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स गया है, इसने गेन किया है, तो यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम्स को जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई थी इसको अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, जिससे इस पर क्रिएट जो प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा और माइनस चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। एक चीज और, ये जो बॉन्ड टूटा था तो जहां पर भी बॉन्ड प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होते हैं तो वहां पर न्यू डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो इसने, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वाले कार्बन एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो यहां पर प्लस माइनस चार्ज क्रिएट हुए थे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से यहां पर भी ये डबल बॉन्ड है, अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉनों का डोनेट जो हुआ है वो इन वाले कार्बन एटम्स के बीच में हुआ है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
इससे जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन और इस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है अब यहां पर। नेक्स्ट पोजीशन में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से मूव कर रहा है इससे इस वाले कार्बन पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई कम, इस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ज्यादा। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा थे तो ये क्या करेगा, इसे अपना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई थी वो उसकी भरपाई हो जाती है और ये प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। तो अगले स्टेप में ये बेंजीन रिंग, यहां पर बॉन्ड है, बॉन्ड बना लिया, यहां डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड बना लिया, इस पर एक लोन पेयर ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो भी बना लिया, इस पर प्लस चार्ज भी है वो भी बना लिया। अब माइनस चार्ज कहां गया है, इस पोजीशन पर, ये कहां पर है, अर्थो पोजीशन पर, क्योंकि ये भी नेवर एटम है, ये भी नेवर एटम था, इसके जस्ट वाल सामने वाला जो आमने सामने होते हैं ऐसी पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो यहां पर ये आर्थो पोजीशन है, आर्थो, इस पोजीशन को हम आमने सामने वाली पोजीशंस को पैरा पोजीशन बोलते हैं, इसमें ये फिर से बिल्कुल जस्ट पास में आ गया है तो इसे हम फिर से आर्थो पोजीशन बोलेंगे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ है या चेंजिंग जो ही है मूव किया है वो यहां से यहां पर हुआ है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो इनके बीच में क्रिएट हो जाएगा। अगले स्टेप में यहां पर ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन था इसने ऑक्सीजन ने अपना डोनेट किया था, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा, शेयरिंग किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस ले लेगा, जिससे इस पर जो क्रिएट प्लस चार्ज है वो दूर हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां पर फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन्स गया है तो इस कार्बन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा है तो ये इस वाले कार्बन एटम को ये वाला इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, मतलब उसका अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया जो उससे गया था, तो यहां से ये माइनस चार्ज भी खत्म हो गया, यहां से ये प्लस चार्ज भी खत्म हो गया और यहां से भी दोनों चार्ज खत्म हो गए और फाइनली हमें यहां पर बॉन्ड, इसके बाद ये यहां पर बॉन्ड, यहां पर अब सिंगल बॉन्ड रह गया, एक तो टूट गया, ब्रेक हो गया, ये ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पे पहले से है और चूंकि एक यहां से फिर से इसने वापस ले लिया है तो वो फिर से आ गया, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनसे इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हुआ है वो इनके इस वाले कार्बन एटम और इस वाले कार्बन एटम्स के बीच में हुआ है, तो यहां पर ये फिर से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हम इस जो भी स्टेप्स हैं इनसे हम समझ सकते हैं कि जो फिनॉल है उनमें आर्थो पोजीशन पर यहां पर ठीक इसी तरह से या तो इस साइड या फिर इस साइड, दोनों ही आर्थो पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साथ ही साथ जो बिल्कुल सामने फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके जस्ट सामने पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मींस हम कह सकते हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो आर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही होती हैं। आई होप आप सभी को ये फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं तो वो समझ में आ गया होगा कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण
इन्हीं पर इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट करेंगे और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।